हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक पंकज गेमिंग आर चैनल। तो दोस्तों, आज फिर से खेलेंगे फार्मिंग सिमुलेटर 22। आज कोई भाई गेम प्ले वीडियो नहीं होने वाली है। आज एक ट्रैक्टर की टेस्टिंग करेंगे। तो काफ़ी भाई, मेरे ख्याल से एक महीना मुझे सोचता हो गया कि भाई मैं आज ये ट्रैक्टर बनाऊँ, आज बनाऊँ, आज बनाऊँ। तो भाई टाइम नहीं लग रहा, तो फाइनली बना दिया है। तो एक तो हमने पहले बना के रखा था भाई, सिद्धू मूसे वाले भाई का ट्रैक्टर है, जो सिंपल, जो उनको भाई टूर्नामेंट में मिला था। पता नहीं कबड्डी टूर्नामेंट में था कहाँ से मिला था, सिंपल था वो भी, हमने बना दिया। अब जो भाई उनका जो पर्सनल ट्रैक्टर है, जो भी है भाई, क्या बोलते हैं, नाट 11, दो है उनके पास, आपको पता ही होगा। एक सिंपल है, एक फुल मॉडिफाइड है। तो ये हमने एक ट्रैक्टर बनाया अभी भाई, पूरा आगे लखाया भाई, है कोई और इसका भाई रिव्यू करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, कैसा है परफॉर्मेंस है, कैसी नहीं है। वैसे भाई असल में तो भाई बहुत ताकत है। अब गेम में भी देखते हैं क्या ताकत है कि नहीं। टायर देख सकते हैं, बड़े बड़े अगले टायर, चौड़े चौड़े टायर भाई। बाकी आगे डेवल वाली लाइटें लगी हुई हैं, देखो जल भी रही हैं। बाकी बम्पर भाई बिल्कुल क्रोम हो गए भाई, चैन वगैरह लगी हुई है। सिलेंसर भाई देखो कितना गजब। एक काम रह गया भाई, इसका स्टेयरिंग हमने चैन वाला नहीं लगाया कुछ प्रॉब्लम के कारण। चलो कोई नहीं, उसको चेंज कर लेंगे। बाकी देख लो भाई इंजन उंजन, टायर देखो भाई कितने चौड़े चौड़े हैं, और लाइटें नए डिज़ाइन की, बढ़िया यार। तो पीछे भी यही लगाए लाइटें, और ये भाई सब कुछ हुआ है ऑटोलैंड वालों का, ऑटोलैंड ट्यूनिंग कार। तो नंबर भी लिखा हुआ है यहाँ पे भाई, दिखेगा नहीं आपको। तो जिसने भाई मॉडिफिकेशन करवानी, कांटेक्ट कर सकते हैं, ये नंबर है। तो वहाँ से ये मॉडिफाइड हुआ है ट्रैक्टर, ठीक है। बाकी डाउन सीलिंग दिखा दूँ आपको, डाउन सीलिंग भी ज़बरदस्त वाली की है यार दोस्तों, मतलब कि देख लो भाई। बीच में हमने नाट 11 का भाई ये रखा है लोगों जहाँ, और सिद्धू मूसे वाले भाई की फ़ोटो लगी हुई साइड साइड में, वो देख सकते हैं भाई बढ़िया। और सामने से देख सकते हैं भाई, किक करके चार सब बूफर है बड़े बड़े, और बीच में नाट 11 रिकॉर्ड लिखा हुआ है। सीट सिंपल ही है। डाउन सीलिंग बताना कैसी है, ठीक है। ये डाउन सीलिंग की बात हो गई। अब चलते हैं भाई पीछे, एम्प कौन से लगे हैं इसमें। तो पीछे चलते हैं भाई, एम्प लगे हुए हैं यहाँ पे सोनी के, दो दो सोनी के लगे हैं, एक पता नहीं कौन सा लगा है, ये अंदर है थोड़ा सा डब्बे के। बाकी नार्ड 11 यहाँ पे भी लिखा है, और भाई लिखा है पीछे डॉक्टर बैमा दा, बढ़िया लिखा है यार। और जाली जुली लगी हुई है, और ये पीछे से लुक कुछ ऐसी है। बाकी लाइटें यहाँ पे भी भाई दूसरी लगी हैं डिज़ाइन वाली। तो ये है भाई इसका चारों तरफ का 360 ओवरव्यू, क्रोम में है भाई इसके भील पूल। सिलेंसर देखो भाई कितना तगड़ा है इसका सिलेंसर देखो। और ये हमने पहले बनाया था सिंपल सा। चलो आज इसकी टेस्टिंग करेंगे, उसकी तो हमने कर ली थी। ये हो गया स्टार्ट। तो लाइटें दिखा देता हूँ भाई, ये पार्किंग लाइट है, हैजर्ड लाइट बोलते हैं इनको। ये बंद कर दी मैंने, ये राइट वाली, ये दूसरी वाली, ठीक है। और ये नॉर्मल लाइटें जो होती है, और ये आगे डेवल डाउन सीलिंग की भी लाइटें जलती है। बाकी छोटे छोटे लाइटें लगी हैं यहाँ भाई, एक पीछे लगानी है मैंने लाइट, देखेंगे बाद में कभी लगा के कोशिश करेंगे। तो बाकी ये पार्किंग लाइट जगा देते हैं भाई, ये देखो कितनी बड़ी लग रही है। बाकी डाउन सीलिंग देख लो, एकदम बढ़िया से हुई है। चलते हैं भाई, अब थोड़ा सा चला के देखते हैं। और इसकी लंबाई भाई हमने थोड़ी सी बढ़ा दी है नाट 11 की। बाकी आपने देखा होगा भाई, नॉर्मल ट्रैक्टर की जो हमने पहले बनाया था उसकी लंबाई छोटी थी, ये देखो लंबाई ज़्यादा है इस ट्रैक्टर की। तो भाई थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, उस वजह से लंबाई मैंने देखी नहीं है रियल में कि ट्रैक्टर की लंबाई थोड़ी ज़्यादा होती है। बाकी पीछे देख सकते हैं भाई, एम्प लगे हैं बीच में, मतलब ग्रास लगाया है, फेक वाला ग्रास, और शीशा लगा हुआ है भाई, कवर किया है ताकि बारिश का पानी ना जाए। बाकी स्टंट वगैरह पूरा होता है भाई ट्रैक्टर का भी। तो चलते हैं भाई, इसकी कर देते हैं टेस्टिंग थोड़ी सी। बाकी पार्किंग लाइट जला लें इसकी भाई, ब्रेक लाइट की जगह मैंने वाइट लाइट कर दी है देखो। चलो कोई नहीं, डेवल वाली लाइटें जलानी हो तो भाई इससे ये जल गई डेवल वाली के लिए, और ये दूसरी जल गई ब्लू वाली, और ये डेवल वाली, ये डेवल वाली बंद कर दी देखो।
तो अभी तो लाइटें जला लेते हैं। तो कोई कमी रहेगी वो तो बता देना भाई, वो भी कंप्लीट कर लेंगे। स्टेयरिंग का तो मुझे पता भाई, स्टेयरिंग इसका ओरिजिनल नहीं है वो वाला। बाकी हमने भाई इसका प्लेटफॉर्म भी बहुत बड़ा कर दिया भाई, चौड़ा सा। ये और बूफर भी भाई चला के दिखाएंगे आपको बाद में, पर अभी नहीं। मॉडिफाइड चाहे कराया या ना कराओ भाई, ताकत बहुत ज़्यादा है इस ट्रैक्टर में। देखो भाग रहा है पूरा। टायर नीले पड़ गए, पता नहीं क्या हो गया इसको। इसको खोल दे। रोटावेटर तो आराम से खींच रहा है, कोई चक्कर वाली बात ही नहीं यार। कुछ और लगा के देखेंगे कल्टीवेटर खींचता है कि नहीं। भाई पूरे लगा देंगे नीचे। और ये लो भाई, कोई परवाह ही नहीं नाड़ गया को यार। इसके टायरों को पता नहीं क्या हो गया यार, कलर अजीब सा हो रहा है इसका। बाकी चलाने का भाई पूरा मजा आ रहा है ट्रैक्टर का। तो यहाँ से देखते हैं भाई कल्टीवेटर होता है कि नहीं। चल भाई धुआं भी भाई ठीक ठाक ही मार रहा है, इतना ज़्यादा भी नहीं। छोटा भाई छोटा, इसको खोल देते हैं भाई। अब इसको अब ठीक है, अभी ट्रॉली लगाते हैं इसके साथ। इसको पता नहीं क्या हो रहा है ट्रॉली को। यार ये फंस गई क्या? आ गई आ गई। पहले टायर भाई इसके वो कर लें ब्लैक, इसमें डालते हैं बीड। भाई कोई परवाह ही नहीं ट्रैक्टर को, बताओ। ना आगे से उठता है ट्राली की, तो रेल बना दी भाई ट्रैक्टर ने। डाउन सीलिंग किया भी भाई गजब है, अलग सा ही नज़ारा है यार। स्टंट हो गया। तो अब भाई थोड़ा सा अंधेरा करके बता देते हैं आपको कि नाइट व्यू कैसा है इसका। ये देख लो
कलर कुछ ज़्यादा नहीं भाई चमक रहे हैं। है ना, बारिश हो भाई, बारिश का मौसम कैसे हो गया यहाँ पे। ये देख लो भाई नाइट व्यू, भाई भूत ही लग रहे हैं इस वक्त तो। बाकी देख लो नाइट व्यू, अरे डीवल की डेवल लाइट नहीं जलाई, ये जल गई। तो बताना भाई कमेंट में कैसा लगा ट्रैक्टर, बस बढ़िया कि नहीं, क्या क्या मॉडिफिकेशन और करें। ये दिन कर लें यार, अंधेरे में तो कुछ और अजीब सा लग रहा है। लो लगा दिया साइड में, कैसा लगा भाई बताना यार ट्रैक्टर। डाउन सीलिंग सुनो, ओए 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 ओए, कहाँ चला गया तू, इधर आ। ठीक है तो बारिश भी होने वाली है मेरे ख्याल से, बादल गरज रहे हैं। ठीक है तो फिर आज की वीडियो में इतना, यार मिलते हैं कल नई वीडियो लेके, तब ले जय हिंद वंदे मातरम।